नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। आज पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल पहुंचेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं की नींव रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। राजस्थान के बीकानेर में वे बीकानेर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करेंगे, साथ ही अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस देश को समर्पित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं मतदान से एक दिन पूर्व मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की जान ले ली गई, जबकि कुछ बिहार जिले में 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को गोली मारकर घायल कर दिया गया। ऐसे में आज कई जगहों पर आपसी रंजिश की खबर आ सकती है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज यमुनानगर और रविवार 9 जुलाई को पंचकुला जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां वे कई सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान आज नवादा में नीतीश और तेजस्वी सरकार के खिलाफ एक जनसभा को संबोधित करेंगे और नीतीश के घोटाले का राज खोलेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव आज अंबिकापुर के दौरे पर जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साथ साथ राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज एवं गांधी स्टेडियम में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। मणिपुर मामले को लेकर आज गोवा की राजधानी पणजी में सामाजिक न्याय और शांति परिषद द्वारा पणजी के आजाद मैदान में मणिपुर के लोगों की शांति के लिए प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। आज शाम एमपी के सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक होगी, जहां कैबिनेट मीटिंग के बाद टिफिन बैठक शुरू होगी। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में क्षत्रिय समाज के विरुद्ध अपशब्द बोलने वाले महक सिंह के खिलाफ जहां देश भर में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, वहीं एफआईआर की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी पुलिस के आश्वासन और फिर असहयोगात्मक रवैये के विरोध में क्षत्रिय समाज का आज व्यापक धरना प्रदर्शन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर होगा। आइडिया हैकाथन 3.0 योजना में शामिल होने के लिए 11 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, जहां महिला उद्यमी, छात्र एवं अन्य महिलाएं एमएसएमई के पोर्टल पर जाकर अपना आइडिया बताकर आवेदन कर सकती हैं। वहीं जिसकी आइडिया कमेटी को पसंद आएगी, उन्हें 15-15 लाख रुपए ग्रांट दिया जाएगा। कानपुर में IIT और PSIT से MSME का अनुबंध हुआ है, जहां चुनी गई महिलाएं अपना कार्य के लिए वहां की लैब का इस्तेमाल कर सकेंगी। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी के पुत्र पर रंगदारी मांगने को लेकर हमला किया गया। हमलावरों ने मुंशी के 1.5 लाख रुपए, बाइक सहित भवन निर्माण सामग्री भी लूट लिए, जहां घटना की सूचना मिलते ही बहेरी थाना की पुलिस ने बाथो रढ़ियाम पंचायत के पूर्व मुखिया ब्रजकिशोर यादव को गिरफ्तार कर लिया और अन्य की तलाश जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पहलवान को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर लगाई थी गंभीर आरोप। इससे पूर्व ब्रजभूषण सिंह ने अदालत के सम्मन पर कहा, मुझे कोर्ट में पेश होने के लिए नहीं चाहिए कोई छूट। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने कुर्क कर ली है, जहां मनीष सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क हुई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को बताया हैबिचुअल ऑफेंडर, कहा बार बार कर रहे हैं एक ही प्रकार का अपराध। हरियाणा में CET को लेकर युवा कांग्रेस ने किया हल्ला बोल, कुमारों को पेंशन देने का किया विरोध, कहा जिला सचिवालयों पर जारी रहेगा धरना। झारखंड के पलामू में ACV की बड़ी कार्रवाई हुई, जहां 12,000 रुपए के रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया भू अर्जन अधिकारी। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश BJP का चुनाव प्रभारी बनाया गया। BJP ने यहां सह चुनाव प्रभारी को भी नियुक्त किया है।
उद्धव ठाकरे से करीबी बढ़ने की चर्चा के बीच राज ठाकरे से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, जहां अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे और राज ठाकरे की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, जहां हाईकोर्ट ने रोक लगाने को लेकर कहा कि रोक नहीं लगने से कोई अन्याय नहीं होगा। अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगती है तो इससे अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है और इसका प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के बाद भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने कहा जनप्रतिनिधियों को साफ चरित्र रखना चाहिए। निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो एकदम ठीक और कानून के परिधि में है, इसलिए उनकी सजा पर रोक की याचिका को खारिज किया जाता है। राजस्थान के बीकानेर में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी जनता को भ्रमित करने और सियासी उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जनता से झूठे वादे करने आ रहे हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें पूरी नहीं होगी। सुल्तानपुर अपर जिला अधिकारी वी प्रसाद की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की 5वीं बैठक कराई गई, जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्कॉट एंड गाइड के जिला प्रमुख ने किया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक और कमेंट कर दिया है, लेकिन बहुत लोग अभी भी बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वे भी अभी अभी तुरंत लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम खुशी के साथ काम करते हैं। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।